दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव। और गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जब घर पे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या फिर लैपटॉप पे बैठे होते हैं ऑफिस में, तो कभी आपने सोचा है यार बार बार फोन पे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बार बार फोन को उठाओ देखो। कितना अच्छा होता कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ही व्हाट्सएप को यूज़ कर पाते ऑफिशियली, कोई ऐप वैप डाउनलोड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत ईजीली आप एक्सेस कर पाते और बहुत ही आसान हो जाती ज़िंदगी, क्योंकि आपको बार बार फोन अनलॉक नहीं करना पड़ता। तो मैं वही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो जानिए कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैं आपको आईफोन और एंड्रॉयड दोनों से ही करना सिखाऊंगा ये चीज़, कैसे आप आईफोन से भी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप एंड्रॉयड से कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कंप्यूटर विंडोज़ है या मैक है या लिनक्स है, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है या फिर विंडोज़ फ़ोन भी है। लेकिन मेरे पास फिलहाल भी विंडोज़ फ़ोन नहीं है तो मैं उसको ट्यूटोरियल नहीं दिखा पाऊंगा, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, एंड्रॉयड पे आपको क्या करना है, आपको जाना है व्हाट्सएप पे सिंपली, और उसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे दिख जाएंगी तीन डॉट्स। इन तीन डॉट्स पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ये सारे ऑप्शंस। इस पे आपको जाना है, इन ऑप्शंस में से आपको जाना है व्हाट्सएप वेब करके जो ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये इंटरफेस जिस पे लिखा होगा व्हाट्सएप वेब लॉग्ड इन कंप्यूटर्स, और यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर ऑलरेडी लॉग्ड इन है और लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स। तो मैं पहले लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक स्कैनर शुरू हो चुका है जो ऑटोमेटिकली स्कैन करना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने पीसी पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको पीसी पे क्या करना है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरा पीसी है और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है web.whatsapp.com पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे। आपको सिंपली web.whatsapp.com पे जाना है और ये ऑफिशियल व्हाट्सएप की वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले QR कोड यहाँ पे बना आ रहा है। अब जो आपके फ़ोन में जब वो कैमरा खुल गया था तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन लेके आना है पिक्चर में और सिंपली उस कैमरे के साथ सामने रख देना है इस QR कोड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं QR कोड स्कैन करते ही यहाँ पे सेम मेरा पूरा व्हाट्सएप खुल चुका है। और इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे वो यहाँ पे हो चुके हैं सिंक। और दैट्स इट गाइस, बहुत ही इजी, बस आपको यही करना था। और इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं अपने व्हाट्सएप से कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। तो आईफोन पे भी सिंपली आपको व्हाट्सएप पे जाना है, उसके बाद जाना है आपको सेटिंग्स पे। जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखेंगे आप तो वो है व्हाट्सएप वेब। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए व्हाट्सएप वेब, सेम एंड्रॉयड की तरह आपको QR कोड स्कैनर यहाँ पे खुल जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैमरा खुल गया है, QR कोड खुल गया है। अब इसको भी आपने उसी वेबसाइट पे जाके सिंपली QR कोड को स्कैन करना है और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और हाँ गाइस, कनेक्ट होने के बाद अगर आप उस कंप्यूटर से लॉग आउट करना चाहते हैं व्हाट्सएप हो तो दोबारा आप यहाँ पे आ सकते हैं। जब आपके लॉग्ड इन होंगे वहाँ पे पीसी, तो सिंपली यहाँ पे लॉग आउट कंप्यूटर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपके सारे कंप्यूटर्स जितने भी जिस पे भी आपने व्हाट्सएप कनेक्ट किया होगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगर आप उसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करने के बाद लॉग आउट ऑल कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं उसको डिसकनेक्ट। सेम गोज फॉर विंडोज फोन। विंडोज फोन अभी मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है नहीं, और उस पर भी आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है और सेटिंग्स पे जाना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप वेब का और उस पर आप क्लिक करेंगे, सेम इसी की तरह आपको खुल जाएगा कैमरा और कैमरे को स्कैन करना है अपने पीसी पे या लैपटॉप पे और आप कनेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप से। तो गाइज लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे के अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।